नूह जिले के पिपरौली गांव में उजीना ड्रेन में नहाने गए 21 वर्षीय युवक की डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रेफर कर दिया है। युवक की पहचान माहिर निवासी गांव गंगवानी के रूप में हुई है। नौजवान युवक की मौत के बाद परिवार में मातम का माहौल है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पिपरौली गांव से गुजर रही उजीना ट्रेन में बरसात का पानी आने से आसपास के ग्रामीण नहर में रोजाना नहाने जाया करते थे, जिसके चलते गंगवानी निवासी माहिर भी अपने साथियों के साथ नहर में नहाने गया था। बताया जा रहा है कि युवक ट्रेन के किनारे खड़ी क्रेन के ऊपर चढ़े हैं और नहर के पानी के बीच में छलांग लगाते हैं। माहिर भी छलांग लगाने के लिए क्रेन के ऊपर चढ़ा और पानी में कूद गया। पानी में कूदने के कारण उसको चोट लगी और वह पानी में नीचे ही रह गया। चोट लगने के कारण वह नहर को पार नहीं कर पाया और डूबकर उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि स्टंट के चक्कर में कई गाँव के युवा उजीना ड्रेन में स्नान करने जाते हैं। आजकल बरसात का सीजन है और नहर में बरसात के पानी की वजह से वहाँ भी चल रहा है। नहर के आसपास के लोगों ने युवक की तलाश कर उसे बाहर निकाला, तब तक उसकी जान जा चुकी थी। युवक की मौत के बाद यह घटना क्षेत्र में फैल गई है। याद रहे कि इसी सप्ताह रहना गांव की 3 छात्रों की डूबने से मौत हुई थी। आप देख रहे हैं नूह से लियाकत अली की रिपोर्ट। मेरा भतीजा पुत्र श्री अख्तर हुसैन नहाने के लिए पिपरौली नहर के पास गया था और उसकी जो है पानी में डूबने के कारण जो है मौत हो गई। उसको यहाँ लाए हैं माटी खेड़ा, मृत घोषित कर दिया। दिन ड्रेन है पिपरौली गांव के पास, काफ़ी बच्चे 10-15-20 बच्चे नहाने के लिए डेली जाते हैं, अकस्मात ही डूबने से मौत हो गई। इसमें कोई वैसा कोई डाउट कोई बात नहीं। किस तरह से हुआ था? कूद के नहाते हैं, संभला नहीं गया, इसके पास में गहरा पानी था, गहरा वापस नहीं आया।